अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, आज हम बना रहे साबूदाना वड़ा। इसको मैंने 2 घंटे के लिए सोक कर लिया था। ये देखिए, इस तरीके से आपको भी अच्छे से सोक करना है इसको। ये देखिए, ये आराम से टूट रहे हैं। ये मेरा 1.5 किलो है, 250 ग्राम है। ये चार बड़े आलू है जिसको मैंने बॉईल करके लिया है। ये कोथमीर है, नमक है, रायदाना है, हल्दी पाउडर है, कड़ी पत्ता है, और ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है जो कि मैंने ये 2 चम्मच लिया है, और तलने के लिए तेल, और ये है कॉर्नस्टार्च, मैंने आधी वाटी लिया है। इसको हम हिला के बैटर बना लेंगे, थिक बैटर। ओके, चले पहले इसका आलू का मसाला बना लेंगे। देखिए, हमने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, अभी बस 1 चम्मच डालना है। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम रायदाना ऐड करेंगे। राई को अच्छे से तड़कने देना है। अब इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर। देखिए, कड़ी पत्ता और राई अच्छे से भून गए। अब इसमें हम एक पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से भूनना है। अदरक लहसुन हरी मिर्च का पूरा स्मेल चले जाना चाहिए। इतना अच्छे से आपको भूनना है। फ्लेम आपका मीडियम ही रहना चाहिए। इसमें अब नमक हल्दी ऐड कर देंगे। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। इसको अच्छे से भून लीजिए। आप मसाला अच्छे से भूना है। अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। मैंने आलू को मैश कर लिया, पूरा ज़्यादा मैश नहीं किया है। आलू डाल दिया। अब इसमें हम साबूदाना ऐड कर देंगे। इसका पानी पूरा निकाल लेना है। इस तरीके से होना चाहिए साबूदाना। देखिए, साबूदाना और मैश आलू हमने ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से अब हिला लीजिए। चलो, उसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसमें कोथमीर ऐड कर देंगे और इसको प्लेट में हम निकाल लेंगे। देखो, हमने प्लेट में निकाल लिया सबको। ये हल्का गर्म है। इसको आप इस तरीके से हाथ से इस तरीके से मैश कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आलू और साबूदाना एक साथ हो जाना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से इसको अच्छे से मैश कर लीजिए दोनों को, मसाले को, सबको। कि हमने इस तरीके से अच्छे से मैश करके पूरा मैश कर लिया है इस तरीके से। अब इसमें हम ऐसे इस तरीके से टिकिया बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से आप शेप कोई भी दे सकते हो। इस तरीके से चलिए आप सब बनाएंगे। देखिए, हमने बना के तैयार रख दिए हैं। अब ये कॉर्नस्टार्च बैटर बनाएंगे। एक कॉर्नस्टार्च लिया है मैंने। इसमें हल्का नमक ऐड कर देंगे।
इसको हल्का थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका थिक बैटर बना लेंगे। देखिए हमने इस तरीके से बैटर बना लिया है कॉर्नस्टार्च का, इस तरीके से बनाना है आपको। फिर चलिए आप फ्राई करेंगे। देखिए हमने कढ़ाई में ऑयल रखा है, अच्छे से गर्म हो गया है। देखिए इस तरीके से यही टेम्परेचर होना चाहिए ऑयल का। ओके अब हम सिल्वर इसमें बैटर में कॉर्नस्टार्च के ये ऐसे डालेंगे, आपको हाथों से नहीं करना है, बस इस तरीके से, इस तरीके से आपको छोड़ना है, बस ऐसे ही सब छोड़ते जाएंगे। देखो साबूदाना वड़ा तैयार है। चलिए प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए घर में। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको ये साबूदाना वड़ा कैसे लगा, इसकी रेसिपी। ओके और वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।